बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उबैद भट्टी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदर एक गाने की शूटिंग हुई है, जिसकी वजह से आवाम के अंदर इस वक्त काफ़ी आउटरेज पाया जा रहा है। काफ़ी लोग तनकीद कर रहे हैं, बिलखसूस जो मजहबी तबका है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो सड़कों पर आने का जो उंदिया है वो भी दे चुका है। जमीयत उलमाए इस्लाम का जो लाहौर सेक्शन है, उन्होंने बाकायदा इस हवाले से मीटिंग की है और ये फैसला किया है कि वो इस हवाले से लायअमल तय करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, सड़कों पर आएंगे कि मस्जिद की बेहुरमती की गई है। अब इसके हवाले से चंद मालूमात हैं कि ये वहाँ पे गाना शूट करने की परमिशन किसने दी और ये सारा कुछ कैसे हुआ। इसके हवाले से एक डॉक्यूमेंट है, वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये नोटिफिकेशन जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ की तरफ से जारी किया गया। इसका उनवान है इजाजत बराए रिकॉर्डिंग जामे मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर। प्रोड्यूसर के नाम पे ये जारी हुआ है और इसकी जो फीस उन्होंने चार्ज की है वो 30,000 रुपये है। जबकि इसके बाद उन्होंने जो इसमें अंदर लिखा है कि शराइत के अंदर रिकॉर्डिंग से कबल कौमी शनाख्ती कार्ड और इसके अलावा जो मुलाजमत कार्ड वगैरह हैं वो मुहैया करने होंगे। इसके अलावा मस्जिद के तकद्दस को पेश नज़र रखा जाएगा और हर उस अमल से इज्तनाब किया जाएगा जिससे इसकी हुरमत पर हर्फ आता हो और मजी मामलात में भी खिलाफ शरीयत या कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे किसी भी पाकिस्तानी की दिल आजारी हो। इसके बाद वो उन्होंने लिखा है कि रिकॉर्डिंग के दौरान लिबास और हरकत सकनात में दीनी और शरई तशखस को हमा वक्त पेश नज़र रखा जाएगा। मुतलका इदारा दौरान रिकॉर्डिंग जुमला इंतजाम का खुद बंदोबस्त करेगा। रिकॉर्डिंग के दौरान किसी किस्म का भी म्यूजिक नहीं बजाया जाएगा। रिकॉर्डिंग महकमाना अमूर की अंजामदही में खलल का बायस ना हो। दर्ज बाला शरायत की खिलाफ वर्जी की गई तो इंतजामिया को इख्तियार होगा कि वो रिकॉर्डिंग बंद करा दे। अब इसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं उस पर किसी भी चीज़ पर अमल नहीं किया गया। बिलाल सईद और सबा कमर जो हैं उन्होंने वहाँ पर जाके बाकायदा वो गाना शूट किया, उसके जो एक्ट्स होते हैं वो सारे किए। इसके अलावा जो लोग मौके पर मौजूद थे, मीडिया के लोग, उनके मुताबिक वहाँ पर जो म्यूज़िक है वो भी बजाया जा रहा था और साथ साथ शूटिंग हो रही थी। अब जाहिर है गाना जब शूट होता है तो उसके साथ जो डांस किया जाता है या जो भी वो कोरियोग्राफी होती है वो बाकायदा एक इस तरह की चीज़ होती है कि जिसको आप इमोरल कह सकते हैं, अगर आप उसको खिलाफ शरीयत ना भी कहें, लेकिन ज़ाहिर है शरीयत के खिलाफ ही है। पहली बात तो गाने के हवाले से जो मजहबी व्यू है वो तो यही है कि गाना जो है वो हराम है और कुछ लोगों के करीब अगर वो हलाल भी है तो उसके साथ जो एक्ट्स किए जाते हैं उनको हराम समझा जाता है। फिर इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं, इजाज़तनामा उन्होंने मशरूत करके जारी किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी भी शर्त को फॉलो नहीं किया गया। वहाँ पे गाना भी बजाया गया, वहाँ पे डांस भी किया गया, खातून और मर्द मस्जिद के अंदर हैं और वहाँ पे वो शूट कर रहे हैं। फिर उसके बाद इदारे ने जब ये जारी किया और लिखा हुआ था कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो इजाज़तनामा जो है वो मनसूख किया जा सकता है, लेकिन वो मनसूख नहीं किया गया। अब जब मीडिया पे खबरें आई हैं उसके बाद शोर मचा है। इस पे मुफ्ती अदनान काका खैल हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। इसके अलावा अब जमीयत उलमाए इस्लाम जो है उसने आवाज़ उठाई है। अब इसके बाद जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने इस पे नोटिस ले लिया है और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जो जिम्मेदारान हैं उनका तायुन किया जाएगा और उनकी जो सज़ा बनती है उनको वो सज़ा दी जाएगी। अब सवाल ये है कि वज़ीर आला ने नोटिस तो ले लिया, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने नोटिस लिया, सज़ा होती है नहीं होती इस बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जब वो पर्दे के पीछे चले जाते हैं तो मालूम नहीं होता कि क्या सजा दी गई है क्या नहीं दी गई। और दूसरी बात यह कि इस पे कौन सा ऑफेंस लगता है या पाकिस्तान पिनल कोड जो है उसकी कौन सी दफा लगती है, इस बारे में कुछ कहना भी कबल वक्त होगा कि कोर्ट या उसके अलावा जो कानून जो निजाम है वो इस पे क्या दफा लगाता है और या इस पे कोई जुर्माना किया जाता है या उसके बाद पाबंदी लगाई जाती है। वजीर आला ने तो यही कह दिया है कि आइंदा जो है वो किसी मस्जिद में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि इससे पहले भी बादशाही मस्जिद जो है वहां पर बहुत सारे गाने शूट होते रहे हैं, आवाम इसके अलावा शादियों के शूट करती है वहां पर मस्जिद में, बहुत सारी ऐसी हरकत होती हैं जो कि खिलाफ शरीयत होती हैं, जो मस्जिद के आदाब के खिलाफ होती हैं। इसके अलावा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ होता है वो भी सबको पता होगा, जब आप जाते हैं वहां पे किस तरह वहां पे खवातीन होती हैं और मर्द होते हैं और किस तरह फोटोशूट करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा बैरियर टाउन की जो मस्जिद है वो बाकायदा फोटोशूट्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी मस्जिद हैं कि जहां पर मस्जिद का तकद्दस पामाल किया जाता है, फिल्मों की शूटिंग की जाती है, गानों की शूटिंग की जाती है, बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्में आप देख चुके होंगे दरबारों के ऊपर की जाती है। तो मेरा ख्याल है ये चीजें तो बहुत अरसे से हो रही थी, ये इस दफा थोड़ा सा आउटरेज आया तो इस पे आवाम कह रही है कि पाबंदी का मुतालबा किया जाए। तो इससे पहले आवाम भी सो रही थी, ये उलमा भी सो रहे थे, लेकिन चले शुक्र है कि अब अगर उनको होश आ गया कि मस्जिदों का जो तकद्दस है वो उसको मेंटेन किया जाए कि वहां पे कुछ भी बेअदबी या इस तरह की चीज ना हो सके। लेकिन इसके साथ एक सवाल यह भी उठता है
कि कुछ फिल्मों के सीन ऐसे होते हैं जो कि मस्जिद दिखाना उसमें ज़रूरी होता है या मस्जिद के अंदर के सीन होते हैं, तो वो भी इस चीज़ के साथ मशरूत है कि जाहिर है अब वो आप सेट पे मस्जिद बना के दिखाएं या आप किसी जो ओरिजिनल मस्जिद है वहाँ पे ले जाएं, या वज़ीर ख़ान मस्जिद जिस तरह, वो तो एक कौमी विरसा है कि वो मुग़ल जो बादशाह थे उनके दौर की बनी हुई है, तो उसको एक जो एंटीक के तौर पर लोग समझते हैं और उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा बहुत सारे एड्स भी शूट होते रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि कोई भी शूटिंग की चीज़ है, चाहे एड हो, फिल्म हो, गाना हो या कुछ भी हो, तो उनको मजहबी जितने भी मुकद्दसात हैं उनसे दूर रहना चाहिए ताकि आवाम की दिल आजारी ना हो और इसके अलावा जो शरई मामलात हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी ना हो। अब हकूमत ने कह तो दिया है कि शरई जो मामलात हैं उस पर पाबंदी करवाई जाएगी, आवाम की दिल आजारी ना हो, तो ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं कि इसके बाद इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। आपने स्क्रीन पर तस्वीर भी देख ली है कि मस्जिद के अंदर ये सबा कमर और उनके साथ बिलाल सईद जो थे वो मौजूद थे। अब इनका गाना ये रिलीज़ होता है या नहीं होता, ये बात भी जो है वक्त तय करेगा। नाज़रीन, ये मालूमात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। उबैद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।